हेडिंग लिखी है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, डैश करके लिखिए, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट is reduced to half of its initial concentration. सिंपल सी लैंग्वेज में हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, हाँ पहले ये बता दूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है, हाफ लाइफ के ऊपर हमें चाहिए ही पड़ता है। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने किसी चीज को शुरू किया था कि भाई हमारे पास कोई चीज 100 ग्राम है, तो कितने टाइम के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह गया, यानी 100 ग्राम से वो बचा 50 ग्राम, उतना होने में जो टाइम लगा That is called as half life time period. जो भी आपने लिया है, 1 ग्राम लिया है तो 0.5 होने में कितनी देर लगी, 0.5 लिया है तो 0.25 होने में कितनी देर लगी, जो भी लिया है उसका आधा होने में जो टाइम लगा, that is called as half life time period. अब अपन पहले first order के लिए लेंगे, ऑर्डर वाइज फॉर्मूला हर बार चेंज हो रहा है, इसीलिए अपन डेरिवेशन कर करके लिख रहे हैं, जो भी पार्ट आए आपको खुद को समझ आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू 2.303 अपॉन t log ऑफ r0 अपॉन r, बराबर ये अपन लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, इट इज r0 अपॉन r। हमें क्या चाहिए, हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, हाफ लाइफ मतलब टाइम जो है वो आधा हो जाना चाहिए, तो पहली बात तो टाइम निकालना है, तो इधर ले लो t half is equal to 2.303 upon k log r0 क्या है, इनिशियल, शुरू में आपने जितना लिया था वो, और हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, कितनी देर में उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, तो पहले r0 था और अभी r0 upon 2 हो गया, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं अपन, बोले r0 upon r है, this is initial, this is final, final कितना होना चाहिए, तो पहले वाले का आधा, तो r is equal to r0 upon 2, ये 2 ऊपर जाएगा, r0 और r0 कट हो जाएगा, it is t half is equal to 2.303 upon k log of 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, वो मुझे याद है इसलिए लिख रहे हो, इट इज 0.3010, यहाँ पे 2.303 इंटू ये अपॉन में के, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.693, करके देख लेना मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा अपॉन में के, तो टी हाफ फॉर कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कहीं पर आया ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन, ये इसलिए समझना जरूरी है कि हमेशा हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कब नहीं करता, जीरो ऑर्डर में, है ना, हमेशा की जीरो ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर आंसर क्या आया कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए केटी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, अब वही ये तो आर जीरो है, आर कितना हो जाएगा, आर
अपन यहाँ पे के नीचे लाने वाले हैं, 2 मिनट बाद ले आएंगे, थोड़ा अपने को एलसीएम वगैरह लेने में अच्छा रहता है, इसलिए अपन यहाँ पे नीचे नहीं ला रहे अभी। इट इज 2 × 1 = 1, कितना बचा 1/2, यानी R0/2, और फिर उसके बाद में नीचे हम क्या लेकर आ जाएंगे, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू R0/2k। सेकेंड ऑर्डर ये बेटा जो भी फॉर्मूलेज अपन ले रहे हैं, ये अपन ने इंटीग्रेशन वाले मेथड से जो फॉर्मूलेज निकाले हैं जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, उन फॉर्मूलेज को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन लोग ले रहे हैं हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू 1/R, R जीरो नहीं है, ये क्या लिखा अपन ने 1/R माइनस 1/R0। तो के टी इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिखना है, R0/2, तो ये R0/2, और फिर यहाँ पे लिखना है माइनस 1/R0। हाँ जी, कितना बचा 1/R0, और ये वाला के नीचे आ जाएगा। तो टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/KR0। फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज डेरिवेशन समझिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग एक जनरल टर्म देते हैं, अगर वहां पर आपको ऑर्डर नहीं दिया क्वेश्चन में कि भाई कौन सा ऑर्डर है क्या है, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसे फर्स्ट ऑर्डर लेकर भी सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हम कौन सा लें, क्या करें क्या नहीं करें, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोगों को कोई फॉर्मूला लिखना है तो दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी आप लोग लिखिए इन जनरल, फॉर्मूला तो आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा लेना है, लेकिन फिर भी मैं एक नया पैटर्न बता रही हूँ वो देखिए। उसके लिए लिखो इन जनरल ए पॉइंट डाल दो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 of the reaction, one third दिया है। चलो formula बोलता है टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो 2.303/R0/R. अब उन्होंने क्या बोला है कि द रिएक्शन कंप्लीटेड इज 1/3, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो 1/3 कंप्लीट हो चुकी, 1/3 कंप्लीट हो गई, कितना बचा, इट इज 2/3। पता चलता है ये एक पहला चेंज जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, हाफ दिया है तो कोई बात ही नहीं है, हाफ हो गया और हाफ बचा है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया R0/2। लेकिन जब अपने को ऐसा दे रखा है कि 1/3 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो टोटल 100% यानी 1 में से 1/3 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 2/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2.303/log(R0/R) की जगह क्या लिखना है, 2/3 नहीं लिख देना, कितना हो जाएगा, बोले 1 में से 1/3 कंप्लीट हो गया, इट इज 2/3, R0/R0 का 3 ऊपर जाने दो, इट इज log(3/2). ठीक है, अब अपन इसका एक नॉर्मल पैटर्न, मैंने आपको तरीका बताया क्योंकि मुझे यही याद रहता है और मुझे यही पसंद है तो मैं यही बता रही हूँ, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है,
कि t half is equal to 2.303 upon k log of r0 upon r0 into 1 minus 1 by n. मुझे ये कम पसंद है इसलिए मैं ऐसा नहीं बताते, लेकिन यहाँ पर यही बोला है कि आप लोग ये जो वैल्यू ढूंढ रहे हो ये क्या है r0 और माइनस क्या कर रहे हो 1/3 ऑफ r0 इज कंप्लीटेड, तो बचा कितना 2/3 ऑफ r0. उसको उन्होंने इस फॉर्मेट में लिखा है कि बोले ये जो है ये हो गया r0 माइनस r0 बाय n. तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्टकट दिया है, मुझे ये नहीं पसंद किसी अलग बात है, बाकी आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द रिएक्शन. इसके बाद आप लोग खुद करेंगे बोर्ड पे. ये वाला किसके लिए था? 1/3 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ये उसका जनरल फॉर्मेट. अब अपन जो लेंगे वो होगा 3/4 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. इसका आंसर आप लोग देंगे. चालू करो. डाउट की भाई ये एन क्या है ये अभी तक आया नहीं मेरे पास. एन जो है दिस इज द गिवन फ्रैक्शन. जब उन्होंने हमें बोला है कि 3/4 इज कंप्लीटेड तो आप ये एन की जगह लिखेंगे 3/4. ठीक है, चलिए 3/4 वाले का आंसर 1 माइनस 3/4 किया तो आपके पास बचा 1/4. वैल्यू पुट अप करोगे इट इज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 4. चलिए समझ में आ चुका इतना, कोई इशू नहीं है. अगर हमें डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट 0.693 अपॉन के लगा दो और हाफ लाइफ ढूंढ लो. हाफ लाइफ बोला है तो ही 0.693 अपॉन के आएगा क्योंकि हमने हाफ वैल्यू ली है, लेकिन अगर ऐसा 1/3 3/4 2/3 ऐसा आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट लिखिए हेडिंग कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स लिखेंगे हम. फर्स्ट, फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द reacting species second point only a certain fraction only a certain fraction of the total number of collisions are effective. Forming the products. उसके बाद में थर्ड पॉइंट, फॉर इफेक्टिव कोलिजन
for effective collision, the molecules should possess sufficient energy as well as orientation. चलो पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है जो एक प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं। कोलिजन जो उनके बीच में होने वाला है, कोलिजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब दो एटम्स है तो वो टकराएंगे और टकरा के एक मॉलिक्यूल हमें बनाकर दे। ये जो कोलिजन होने वाला है ये कोलिजन कैसा होना चाहिए, तो कोलिजन हमारे पास फ्रूटफुल होना चाहिए। फ्रूटफुल मतलब इट शुड गिव सम इफेक्टिव प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि भाई जैसा हमारे पास रिएक्टेंट था वो का वही हमें प्रोडक्ट में मिल गया, या रिएक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पाई, तो उसके लिए हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं वी हैव अ कोलिजन थ्योरी। इस कोलिजन थ्योरी में पॉइंट्स बाद में पढ़ा रहे हो, उससे पहले मैं आपको दो वर्ड समझा रहे हूँ। एक है एनर्जी बैरियर और एक है ओरिएंटेशन। एनर्जी बैरियर का मतलब कि जो भी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज है दे शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्म द न्यू बॉन्ड्स। कोई भी चीज हो, जैसे अपन सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि भाई हमारे पास N2 और H2 इन्हें रिएक्ट करना है टू फॉर्म NH3। बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि भाई ये जो N2 है इसका एक एन अलग हो जाए, एक एन अलग हो जाए, फिर ये जो H2 है ये भी हमारे पास 1, 2, 3 और 4 अलग अलग होने चाहिए, तभी ये वाला एक N जाके इन H के साथ कंबाइन हो पाएगा टू फॉर्म NH3। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैम या तो हम लोगों ने 3H2 ले रखा था, तो बेटा ये H2 और H2 NH3 कैसे हुआ? H3 कब हो पाएगा? जब ये वाला H कैसा प्रेजेंट हो, अकेले अकेले एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, तभी ये एक N इन 3H के साथ कंबाइन करेगा। नहीं पता चला N2 और H2 छोड़, H2 और O2 कंबाइंस टू फॉर्म, सबको पता है आंसर आएगा H2। अब ये जब कोलिजन होने जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये दो एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं H2 और O2, और एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2O। कब बना? जब H2 ये पूरा मॉलिक्यूल इससे कंबाइन करेगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला पूरा मॉलिक्यूल एक एटम के साथ कंबाइन करे तो एक एटम को होना कैसे पड़ेगा कि एक अकेला हो जाए और एक अकेला हो जाए, तो इट हैज टू ब्रेक द ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। और पुराने बॉन्ड को तोड़कर नए बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन अगर हो, हमें एक नया प्रोडक्ट मिले, तो द एनर्जी प्रेजेंट इन दीज रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। पुराने बॉन्ड को तोड़ना है, नए बॉन्ड को बनाना है, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी जो सबसे कम अमाउंट की चाहिए, मिनिमम एनर्जी, इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिले तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड
एनर्जी, तभी जाकर हमें एक आंसर मिलेगा, यानी वी हैव अ एनर्जी बैरियर, उससे कम एनर्जी हुई तो वी विल नॉट गेट द प्रोडक्ट. क्या बात कर रहे हैं अपन, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिजन थ्योरी. थ्योरी में हम लोग दो पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हमने तीन लिखे हैं. तीन पॉइंट में से पहला पॉइंट हमने बोला कि रिएक्शन को अकर करने के लिए देयर शुड बी सम कोलाइडिंग स्पीशीज. अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन अकर हो तो क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट्स होने चाहिए, देयर शुड बी सम कोलाइडिंग स्पीशीज. सेकेंड पॉइंट में हमने बोला कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, कुछ ही फ्रैक्शन है जो इफेक्टिव होता है, ये अभी मेरा समझाना बाकी है. थर्ड में मैंने बोला कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन, मतलब असरदार कोलिजन, इफेक्टिव का मतलब जिसमें सच में हमें प्रोडक्ट मिले उसे हम नाम देंगे इफेक्टिव कोलिजन. क्या बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स शुड पजेस सफिशिएंट एनर्जी एज वेल एज ओरिएंटेशन. तीन पॉइंट हमने बोले. फर्स्ट पॉइंट पता चलता है कि हमारे पास में कोलाइड करने के लिए स्पीशीज होने चाहिए. सेकेंड ऑर्डर अभी समझ में नहीं आया वो मैं बता. पिछले पांच मिनट से मैं सिर्फ एक ही टॉपिक बोल रही हूँ, एनर्जी बैरियर. कितना समझ में आया, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30%, और कोई बोल रहा है, बोले मैम अभी तक पता ही नहीं चला कि आपने बोला क्या. एनर्जी बैरियर, अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में कोलिजन कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए. मेरी बात आप तक पहुंच पाए, इट शुड बी सम इफेक्टिव कोलिजन. अभी पहुंची मेरी बात आप तक, क्या हर बार मेरी बात आप तक पहुंच पाती है, नहीं है ना. जब तक कि जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया, आधा समझ आया आधा नहीं आया, सम फ्रैक्शन वॉज इफेक्टिव. हर बार 100% आपको मेरी बात समझ में आए, इट इज नॉट नेसेसरी. ऐसे ही जब रिएक्शन अकर होती है तो सारे के सारे स्पीशीज एक साथ कंबाइन कर जाएंगे और हमें बढ़िया सा प्रोडक्ट दे देंगे, इट इज नॉट नेसेसरी. क्या होता है, कुछ ही फ्रैक्शन है जो रिएक्ट करके और हमें फ्रूटफुल प्रोडक्ट दे पाता है. जो फ्रूटफुल प्रोडक्ट देगा उसे हम लोग नाम देंगे इफेक्टिव कोलिजन. अब इसको और अपन इलाबोरेट करते हैं. अपन ने बोला कि मैंने यहाँ पर कुछ एक गेम रख दिया बढ़िया तरीके से. अब गेम खेलना आप लोग चालू कर दिया, क्या हुआ, बोले जाओ और एक बॉल मैंने फेंक दी, बोले सबको एक साथ पकड़ के लेकर आनी है. कैसे पकड़ोगे, बॉल तो एक ही है. क्या होगा, हम आपस में टकरा रहे हैं, क्या कर रहे हो, कोलिजन हो रहा है, लेकिन द कोलिजन इज नॉट फ्रूटफुल, क्योंकि बॉल जिसको मिली उसके लिए आंसर आएगा कि हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट मिल गया, बाकी सब तो फालतू रहेगा. ठीक, लेकिन कुछ जो है वो आलसी लोग हैं, बोले मैम ने बॉल फेंक के बोल को दिया कि लेकर आओ, क्या जरूरी है हम जाए, हमें तो नहीं जाना, ये तो फालतू काम है. ऐसा ही रिएक्टेंट्स के साथ होता है, कुछ के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो जाए और उस बॉल को कैच करे, कोशिश भी नहीं कर रहे. फॉर दैट यू रिक्वायर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. वो आपका मन हुआ कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, अब उस काम को करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उस भीड़ में घुसना पड़ेगा. यू शुड रिक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड एनर्जी टू गेट द इफेक्टिव कोलिजन. वो एनर्जी क्या कहलाएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, उससे ऊपर आपको तो आप इफेक्टिव कोलिजन की तरफ जा रहे हो, अदरवाइज नहीं जा रहे. यानी यू हैव अ एनर्जी बैरियर. अपने केस में अपन इसे बोलेंगे शाइनेस. शाइनेस क्या हो गई, एक तरह का एनर्जी बैरियर. यार कौन जाएगा फालतू काम में, बॉल को पकड़ना भी कोई काम हुआ. यू हैव अ बैरियर, जो उस बैरियर को क्रॉस करेगा वो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकता है, ला सकता है. ये नहीं बोला कि ले, 20 जन बैठो, 20 में से 15 की इच्छा हुई कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है, मतलब 15 जनों ने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर दिया, 5 मॉलिक्यूल्स अभी पीछे ही रह गए. अब जो 15 आगे बढ़े वो आपस में टकराना चालू हो गए, है ना, बॉल लेने के लिए. अब जब 15 जने टकराए, एक कोई बॉल मिली यानी प्रोडक्ट
एक को मिला, बाकी सारे बेकार हो गए, क्या कहलाएगा? सेकेंड टाइप हमने बोला ओरिएंटेशन बैरियर। उसका अपन प्रॉपर तरीके से अब एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ कुछ समझना आना चालू हो गया है। ये है हमारे पास N और ये है O2। बढ़िया डिजाइन बना दी अपन ने NO2 की। अब एक और मॉलिक्यूल हमने लिया N, O और 2 का, क्या कर रहे हैं? उनके पास एनर्जी सफिशियंट है, अब ये कोलाइड करने जा रहे हैं। कोलाइड करने के बाद N2 और आंसर मिल गया O4। बढ़िया, NO2 प्लस NO2 गिव्स N2O4, आंसर आ गया मैम, कोई बात। अब एक और देखते हैं, NO2 अब बोलिए ओरिएंटेशन। ये वाले NO2 के सामने NO2 नहीं आया, कौन आ गया? OON। तो अब N से M कब कंबाइन होगा? जब दोनों N एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तभी N और N के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे N के सामने कौन आ गए? दो ऑक्सीजन आ गए, क्या कहलाएगा? ओरिएंटेशन बैरियर, मतलब गलत डायरेक्शन में ये टर्न हो गया। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? जब ये वापस टर्न हो जाए और इसके सामने N के सामने N आ जाए। इसके लिए अपन ने नाम दिया कि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। कोलिजन तो यहाँ पर भी हुआ, बट प्रोडक्ट इज जीरो, हमें आंसर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इस जगह हमारा ओरिएंटेशन रॉन्ग हो गया। तो कोलिजन तो हमेशा हो रहा है, लेकिन कोलिजन इफेक्टिव कब कहलाएगा? When it crosses energy barrier as well as it crosses orientation barrier, यानी उसकी energy threshold energy से ज्यादा होगी तो answer आएगा, और या फिर orientation proper होगा, proper N के सामने N आएगा तो ही हमें यहाँ पर result मिलेगा। This is called as collision theory. अब point वापिस पढ़ लेते हैं, समझ में आ चुके हैं। First point is for a reaction to occur, there must be collision between the reacting species. Reacting part को क्या करना पड़ेगा? Collide करना पड़ेगा। Second, only a certain fraction of total number of collisions are effective in forming the product. सारे के सारे 100% answer नहीं देते, उनमें से कुछ ही fraction जो है वो हमें proper collision का answer दे पाएगा, एक proper product दे पाएगा। Third, for effective collision the molecules should possess sufficient energy as well as orientation. उनके पास में क्या होनी चाहिए? Sufficient energy which is greater than threshold energy and should have proper orientation. So, उस दो words को समझाने के लिए हमने समझा energy barrier as well as orientation barrier. ठीक, आपको अब जो लिखना है